पसंद आपकी, पेशकश हमारी। मोहम्मदिया मंदी हाउस, नियर मोहम्मदिया शवरमा, खादरबाग, नानल नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए चलते हैं आज की एक अहम खबर पर। आज की हमारी अहम खबर है भादुरपुरे से और भादुरपुरे के फ्लाईओवर ब्रिज को लेकर, क्योंकि काफी चर्चों में रहा, क्योंकि भादुरपुरे चौराहे की रोड जो है हमेशा खराब रहती थी, वहां पर कई बार एक्सीडेंट भी हो चुके थे। लेकिन अब हो सकता है कि नए साल का गिफ्ट मिलने वाला है ओल्ड सिटी की आवाम को। भादुरपुरे का ब्रिज शायद दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि नीचे की सड़कों को काफी अच्छा किया गया है। वहां पर अब आने जाने वाली आवाम को किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो बहरहाल कहीं ना कहीं जो है भादुरपुरे के ब्रिज के पास या भादुरपुरे के चौराह के पास सड़कों को अच्छे से बनाया गया। तो आइए, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अबरार ने खुसूसी रिपोर्ट बनाई है भादुरपुरा चौराह के पास से, वो हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल्ला अबरार, सचिव में आपका खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, ये खबर बताने से पहले खैर आप लोग जान ही चुके होंगे कि मैं कहाँ पर ठहरा हूँ। जी हाँ, मैं भादुरपुरा फ्लाईओवर यानी कि दुबई ब्रिज के ऊपर ठहरा हूँ, जो कि काफ़ी सुर्खियों में रहा है ब्रिज, खासतौर पर ओल्ड सिटी में, जहाँ के MLA जनाब मौजम खान साहब है। ये ब्रिज मेरे पीछे देखिए आप, ब्रिज का अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि ब्रिज का जो है मुकम्मल तौर पर काम हो चुका है। जब 80% जो है काम ब्रिज का यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है और तेज़ रफ्तार से जो है इस ब्रिज का काम चल रहा है। नाज़रीन, आपको बताते चलूँ कि बार बार वेब चैनल्स पर न्यूज़ चलाई जा रही थी, न्यूज़ शाया की जा रही थी कि भादुरपुरा फ्लाईओवर दुबई ब्रिज आखिर कब बनेगा। तो उसके बाद में यहाँ के मुकामी MLA जनाब मौजम खान साहब ने एक बयान दिया था कि दिसंबर तक ये ब्रिज को मुकम्मल किया जाता, लगता है उनका वादा जो है बराबर पूरा होता दिख रहा है। और एक बहुत खसूसी बात यानी कि ख़ास बात ये है कि जो इस ब्रिज के आजू और बाजू दोनों साइड जो है रोड जो पूरी खुदाई हुई थी, यानी कि रोड जो एकदम गड़े वगैरह थे, ट्रैफिक को जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ब्रिज का काम तो चल रहा ही चल रहा था, लेकिन जो आजू और बाजू की रोड से जो है आवाम को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर अभी वीडियो में आपको देखेंगे आगे की भी, कि जो जहाँ के रोड्स हैं उस रोड्स को जो है वहाँ पर डामर डाल के एकदम लेवल कर दिया गया है। बिल्कुल ट्रैफिक का मूवमेंट यहाँ पर एकदम क्लियर है, इजीली ट्रैफिक यहाँ से पास हो रही है। तो यहाँ जो बहुत एक सिटी का पॉइंट जो था भादुरपुरा ब्रिज का जो इशू था वो रिजॉल्व हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप मेरे कैमरे के जरिए भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी जो है डे एंड नाइट काम वर्क हो रहा है और तकरीबन 80% जो है यहाँ का काम मुकम्मल हो चुका है। अभी मेरे पीछे देखिए मस्जिद का भी जो वीडियो इससे पहले जिक्र किया था हमने, कि जो है मस्जिद के पास भी जो है गाड़ियाँ वगैरह जाने के लिए बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर डामर की रोड आने की वजह से ट्रैफिक मूवमेंट भी बहुत क्लियर हो चुका है। आप देख सकते हैं ट्रैफिक जो है ईजिली मूव हो रही है यहाँ से, और आवाम के लिए बेहद खुशखबरी की बात है कि भादुरपुरा फ्लाईओवर और जल्द से जल्द शायद मैं समझता हूँ ये महीने में 100% मुकम्मल होगा। Thank you.
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड ऑपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्राइन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।